नैब तरमीम कलदम करार देने के बाद एहतसाब ब्यूरो इन एक्शन बड़ी करप्शन के बंद खाते खोल दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केसेस दोबारा एहतसाब अदालत में पेश। सप्तैन खान के खिलाफ चिन्योट माइंस एंड मिनरल्स केस भी एहतसाब अदालत को वापस भेज दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी करप्शन केस एहतसाब अदालत को वापस भेज दिया। नैब ने रेफरेंसेस जमा करवा दिए। सिक्योरिटी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। नई मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस पर हमसे मजीद बात करेंगे। नई मलिक, बता दीजिएगा कि कौन कौन से केसेस दोबारा खुल रहे हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो नैब के केसेस है उनका रुख एहतसाब अदालतों की तरफ हो गया है। शहबाज शरीफ, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केसेस जो कि दोबारा अदालत में पेश कर दिए गए हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल केस जो कि वो भी अदालत में पेश कर दिया गया, जबकि ख्वाजा साद अरबी को सलमान फी के खिलाफ जो पैरागोन का केस है वो वापस कर दिया गया, तो वो भी अदालत में पेश कर दिया गया। और इसके अलावा सप्तैन खान के खिलाफ चिन्योर माइंस और मिनर केस भी जो कि एहतसाब अदालत को वापस भेज दिया गया है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी करप्शन केस में एहतसाब अदालत को वापस भिजवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी एक्ट के तहत जो कि बंद केसेस वो दोबारा खोलने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केसेस वापस अदालतों को भिजवाने का हुक्म दिया था। नैब के रेफरेंस जमा जबकि करवा दिए गए हैं। उसके अलावा स्क्रूटनी का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। जी जी ठीक है, नई मलिक शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नैब तरमीम कलदम करार देने के बाद एहतसाब ब्यूरो इन एक्शन बड़ी करप्शन के बंद खाते खोल दिए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केसेस दोबारा एहतसाब अदालत में पेश। सप्तैन खान के खिलाफ चिन्योट माइंस एंड मिनरल्स केस भी एहतसाब अदालत को वापस भेज दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी करप्शन केस एहतसाब अदालत को वापस भेज दिया। नैब ने रेफरेंसेस जमा करवा दिए। सिक्योरिटी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। नई मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस पर हमसे मजीद बात करेंगे। नई मलिक, बता दीजिएगा कि कौन कौन से केसेस दोबारा खुल रहे हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो नैब के केसेस है उनका रुख एहतसाब अदालतों की तरफ हो गया है। शहबाज शरीफ, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केसेस जो कि दोबारा अदालत में पेश कर दिए गए हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल केस जो कि वो भी अदालत में पेश कर दिया गया, जबकि ख्वाजा साद अरबी को सलमान फी के खिलाफ जो पैरागोन का केस है वो वापस कर दिया गया, तो वो भी अदालत में पेश कर दिया गया। और इसके अलावा सप्तैन खान के खिलाफ चिन्योर माइंस और मिनर केस भी जो कि एहतसाब अदालत को वापस भेज दिया गया है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी करप्शन केस में एहतसाब अदालत को वापस भिजवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी एक्ट के तहत जो कि बंद केसेस वो दोबारा खोलने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केसेस वापस अदालतों को भिजवाने का हुक्म दिया था। नैब के रेफरेंस जमा जबकि करवा दिए गए हैं। उसके अलावा स्क्रूटनी का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। जी जी ठीक है, नई मलिक शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।